हेलो गाइस, दिस साइड आशीष पराशर और आज का टॉपिक है सिस्को फायर पावर मैनेजमेंट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस्को फायर पावर डिवाइस का एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। सिस्को फायर पावर डिवाइस में एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है जिसके थ्रू आप FMC को इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर आप सिस्को फायर पावर डिवाइस मैनेजर जो कि उसका लोकल मैनेजर है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने एक्सेस किया हुआ है वो फायर पावर डिवाइस मैनेजर के थ्रू एक्सेस किया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिस्को फायर पावर डिवाइस मैनेजर को किसी इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट को छोड़कर किसी भी इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे मैनेजमेंट एक्सेस कॉन्फ़िगर करेंगे इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जैसे ही आप फायर पावर लॉगिन करेंगे मैनेजमेंट IP से, उसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है मैनेजमेंट एक्सेस के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाया था मैनेजमेंट एक्सेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सेस का टैब है। तो मैनेजमेंट एक्सेस पे आपको क्लिक करना है। तो मैनेजमेंट एक्सेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मैनेजमेंट इंटरफेस और डेटा इंटरफेस शो करेगा। तो आपको जाना है डेटा इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने दोनों इनसाइड आउटसाइड के लिए बना रखा है। मैं आपके सामने दोबारा क्रिएट कर देता हूँ एक बार और उसे आपके सामने डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये रूल्स बनाया था तो अब मैं दोबारा रूल्स क्रिएट करूँगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं आउटसाइड इंटरफेस के थ्रू इस पर्टिकुलर फायरवॉल को एक्सेस करूं। उसके लिए मुझे जाना है न्यू रूल के ऊपर और मुझे यहां पे इंटरफेस सेलेक्ट करना होगा। इंटरफेस मैंने सेलेक्ट किया यहां पे आउटसाइड। उसके बाद मुझे यहां पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना होगा। तो प्रोटोकॉल HTTPS मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेकेंड मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ SSH। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, वेब एक्सेस और CLI एक्सेस। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ सबनेट डिफाइन करना होगा। इस पर्टिकुलर सबनेट से मैं इस फायरवॉल के मैनेजमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ AnyIP version 4। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया AnyIP version 4 और मैंने यहाँ पे इसे ओके किया। इसे ओके करने के बाद ये एक पॉलिसी मैंने डिफाइन किया मैनेजमेंट एक्सेस के लिए। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी को मेरा नेक्स्ट टास्क है इसे डिप्लॉय करना। तो यहाँ पे ऊपर डिप्लॉय का ऑप्शन है, तो आपको कर देना है डिप्लॉय। जैसे ही आप डिप्लॉय नाउ करेंगे, अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा, आप इसे किसी भी नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द नेटवर्क। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है AnyIP version 4, तो मैं इसे एक्सेस करके देखता हूँ अपने कंप्यूटर से, जो कि मेरा इस टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। मैं अपने कंप्यूटर पर आता हूँ और अपने कंप्यूटर से इस पर्टिकुलर PC को इसे फायरवॉल को एक्सेस करके देखता हूँ। मैं टाइप करूँगा यहाँ पे HTTPS 192.168.25.202। जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर पावर डिवाइस मैनेजर का एक पेज ओपन हो रहा है। इसका मतलब है जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, जो मैंने आउटसाइड इंटरफेस के थ्रू कॉन्फ़िगर किया है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे डालना है एडमिन। एडमिन के बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड बाई डिफ़ॉल्ट होता है admin123। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड के देने के बाद मैं इस पर्टिकुलर फायरवॉल को एक्सेस करूंगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एक्सेस किया और उसके बाद यहाँ पे मैं इंटरफेस दिखाता हूँ कि इंटरफेस कौन से। यहाँ पर IP है 25.202, उसी के थ्रू मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है। आप देख सकते हैं सेम IP है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम सिस्को फायर पावर के ऊपर मैनेजमेंट इंटरफेस कन्फिगर करते हैं और आउटसाइड इंटरफेस को कैसे हम HTTPS और SSH अलाउ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कैसे हम डिप्लॉयमेंट फेज में करेंगे। तो इस वीडियो को देखें।